What's up guys, मैं हूँ अभिलाष, आपका देसी हॉटस्पॉट एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो इन दिस वीडियो आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू अबाउट माय करियर ट्रांजिशन फेज फ्रॉम सेल्स टू एनालिटिक्स। आई नो इंडिया में एक ट्रांजिशन करियर ट्रांजिशन इज लाइक रियली टफ एंड आई हैव एक्सपीरियंस्ड। सो इसीलिए मैं मेरा पर्सनल स्टोरी एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, जाके मेरे जैसे जो भी जितने भी आई नो बहुत सारे हैं बाहर एंड एवरी वन इज ट्राइंग टू मेक अ करियर ट्रांजिशन इन टू एनालिटिक्स, नॉट एवरी वन बट येस मोस्ट ऑफ देम। सो ये रहा मेरा स्टोरी, मैंने कैसे पूरा प्रोसेस फॉलो किया था, क्या क्या इसमें ज़रूरी होता है। तो आई जस्ट मेड ए क्विक यू नो स्मॉल पीपीटी आप लोग को एक्सप्लेन करने के लिए, थोड़ा और बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगे, और अच्छा लगे तो प्लीज़ ये लास्ट तक देखना क्योंकि इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले यस, तो मैं यहाँ पे कवर किया हूँ ये जो वीडियो में कि सबसे पहला चीज़ है कि डेटा एनालिटिक्स क्या चीज़ है, फिर कौन डेटा एनालिस्ट है, मतलब डेटा एनालिस्ट लोगों का काम क्या है, व्हाट डू दे डू एग्जैक्टली, फिर उसमें टेक्निकल स्किल्स क्या क्या ज़रूरी होता है, नॉन टेक्निकल स्किल्स क्या क्या ज़रूरी होता है, एंड फिर उसके बाद आता है, देखो यहाँ पे आप लोग देख ही सकते हैं मैंने जो हु इज़ अ डेटा एनालिस्ट, मतलब एक डेटा एनालिस्ट का काम क्या है वो एक्सप्लेन करने के लिए मैंने यहाँ पे एक नॉर्मल सा एग्जांपल दिया है मिंत्रा का, क्योंकि मैंने इंटरव्यू दिया था मिंत्रा में भी और रिजेक्ट भी हो गया था और तो यस, तो मिंत्रा में मुझे ये क्वेश्चन पूछे थे, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन वो इंटरव्यू में, थर्ड राउंड के इंटरव्यू में शायद, थर्ड राउंड में ही, यस राइट, कि अगर देखो फॉर एग्जांपल मिंत्रा का पिछले तीन महीने का कोई सेल्स नहीं हो रहा है, ड्रॉप हो गया, तो हम लोग क्या करेंगे और एक जो प्रोसेस है वो क्या क्या है एक, और कैसे डेटा हम गैदर करेंगे। तो सबसे पहले क्या होता है कि जो प्रोजेक्ट है, मतलब मिंत्रा का 3 महीने का सेल्स ड्रॉप हो गया, राइट, तो वो एक प्रोजेक्ट है। फिर उसके बाद आएगा रिक्वायरमेंट गैदरिंग, रिक्वायरमेंट गैदरिंग का काम होता है मोस्टली बिजनेस एनालिस्ट का, नहीं तो प्रोडक्ट ओनर्स का। तो वो लोग क्या करेंगे कि जो मेन है उनके साथ बात करेंगे क्या क्या ज़रूरी है जानने के लिए, कि मतलब कहाँ कौन सा चीज़ हमको चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल सेल्स ड्रॉप हो गया, इसका मतलब हमको इसका रीज़न जानना है, फ्यूचर में क्या क्या करेंगे हम लोग वो जानना है, फिर इसका सोल्यूशन क्या है वो सब जानना है, और क्यों रीज़न हुआ वो सब जानना है। तो ये लोग क्या करेंगे, बिजनेस एनालिस्ट और प्रोडक्ट जो ओनर्स होते हैं वो लोग ये सब डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद ये प्रोजेक्ट जाएगा डेटा एनालिस्ट को, वहाँ पे हम लोग आते हैं। तो हम लोग वहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग बहुत सारा ऐसे डिस्कस करेंगे, डेटा एनालिस्ट हो गया, डेटा साइंटिस्ट हो गए, तो एनालाइज करेंगे, मतलब सबसे पहले तो डेटा लाएंगे कहाँ से, तो कंपनी के पास डेटा होगा, तो डेटा को वो इट कैन बी स्ट्रक्चर्ड इट कैन बी अनस्ट्रक्चर्ड, तो उसको बहुत सारे ऐसे टूल्स वो सब यूज़ करके हम लोग एनालाइज करेंगे। एनालाइज कैसे होता है इसका भी बहुत सारा ऐसे प्रोसेस है, अगर मैं बोलूँगा तो ये वीडियो बेकार हो जाएगा, ठीक है, मैं पहले ही किसी को डिमोटिवेट नहीं करना चाहता, वो उसका दूसरा वीडियोज आएगा। तो यहाँ पे हम लोग एनालाइज करेंगे, फिर देखेंगे कि डेटा 3 महीने का कैसा गया, ट्रेंड लाइन कैसे है, क्यों ड्रॉप हुआ, वो सब रीजंस देखेंगे, फिर उसको रिपोर्ट बनाएंगे। रिपोर्ट मतलब आप लोग बोल सकते हो कि जैसे स्टोरी टेलिंग हो गया, जैसे मतलब आर्टिस्ट्स होते हैं ना वो लोग अपना पेंटिंग करते हैं, वैसे ही हम लोग भी डैशबोर्ड्स बनाते हैं, मतलब पीपीटी आप बोल सकते हो, या फिर विजुअलाइजेशन टूल्स, मतलब डिफरेंट टूल्स यूज करके हम लोग डैशबोर्ड्स बनाते हैं, ताकि हम लोग सीनियर्स को ये शो कर सके कि देखो इतना ये सब रीजंस के वजह से सेल्स ड्रॉप हुआ है हमारा, फिर और ये सब इंप्लीमेंट करने के बाद सेल्स इंक्रीज होगा, राइट। तो ये होता है डेटा एनालिस्ट का काम, मतलब डेटा को लाना फिर उसके बाद उसको एनालाइज करना। तो नेक्स्ट होता है कि व्हाई डेटा एनालिटिक्स, कि सबसे पहले तो मैंने ये सोचा कि डेटा एनालिटिक्स को, देखो 3 साल का एक्सपीरियंस सेल्स में जा रहा था अच्छा खासा, फिर उसके बाद आई सडनली रियलाइज्ड नहीं हो पाएगा और इतना सारा भसड़ नहीं लेना है। यस देर वॉज मनी, देर वॉज अपॉर्चुनिटी, देर वॉज और कुछ नहीं, बेनिफिट्स बोल सकते हो, बट यस, तो दैट टाइम आई रियलाइज्ड के लेट्स स्विच द डोमेन टू डेटा एनालिटिक्स, क्योंकि आप लोग यहाँ पे देख ही सकते हो, मैं यहाँ पे येलो मार्क भी कर देता हूँ आप लोग के लिए, राइट, कि ये ऑलरेडी इसी डेटा एनालिटिक्स एंड डेटा साइंटिस्ट का मतलब जो जॉब्स होता है वो पहले से ही था मार्केट में, मतलब और मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो फॉर एग्जांपल हम लोग ये खाता बुक ऐप यहाँ पे जो दिख रहा है ना, ये वाला
तो ये जो खाता बुक ऐप है, मतलब अभी अभी ये रिसेंटली लॉन्च हुआ है, बट क्यों लॉन्च हुआ है? बिकॉज पहले क्या होता था कि सारे जो दुकानदार होते हैं, नॉर्मल शॉप्स, किराना शॉप, ये लोग वो नॉर्मल नोटबुक पेन यूज कर लिखते थे, राइट? तो जैसे धीरे धीरे ये पैंडेमिक हुआ, फिर उसके बाद जाना आना बंद हो गया लोगों का, बिजनेस भी बहुत सारा ऐसे क्या हिट हुए, तो उसमें क्या हुआ कि सब कुछ अभी डिजिटलाइज्ड हो रहा है, राइट? तो इसको इजी कर, हर चीज़ को इजी करने के लिए वो डेटा का यूज़ होता है। और ये ऐप में क्या कर सकते हैं कि वो दुकानदार डायरेक्टली ऐप में फीड कर सकते हैं, इतना इतना हुआ हमारा, इतना लोग लेके गए, इतना हमारे पास स्टॉक पड़ा है, फिर उसके बाद इतना दिन का इतना हमारा सेल्स हुआ, फिर उसके बाद प्रॉफिट इतना हुआ, वो सब क्या क्या होगा वो देख सकते हैं ऐप में, राइट? तो वो ऐप क्या करता है, डेटा यूज करता है, राइट? मतलब सब कुछ डिजिटलाइज्ड हो रहा है धीरे धीरे। एंड ये जो पैंडेमिक हुआ वो आप लोग बोल सकते हो ये काइंड ऑफ फिफ्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, जो कि बहुत सारे ऐसे अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर दिया है मार्केट में। यस, देर वेर लॉट्स ऑफ जॉब लॉस। मैंने भी अपना जॉब खोया था, आई वॉज अनएम्प्लॉयड फॉर ऑलमोस्ट 2.5 3 मंथ्स, 3 महीने के लिए जॉब नहीं था मेरे पास, सैलरी नहीं था, कुछ भी नहीं था। तो ये जो मतलब सब कुछ डिजिटलाइज्ड हो रहा है अभी, तो उससे क्या होता है कि डेटा बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। अभी मैं वीडियो अगर ये यूट्यूब में अपलोड करूंगा तो उसके पीछे भी कोई ना कोई एक डेटा एनालिस्ट होगा या फिर कोई डेटा साइंटिस्ट होगा, सब कुछ मेजर कर रहा होगा, मतलब ट्रैक कर रहा होगा यूट्यूब मतलब कंपनी की तरफ से कि ऐसे ऐसे वीडियोज़ आ रहे हैं, सब कुछ। तो वो होता है डेटा एनालिटिक्स का काम। और ये जो डेटा इतना ज़्यादा अभी यूज़ हो रहा है ना ये अभी के टाइम में, तो उसको मैनेज करने के लिए हर कंपनी के पास बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि डेटा को यूज़ कर कर एनालाइज कर सकते हैं कि बिजनेस ट्रेंड कैसा जाएगा, फ्यूचर में कैसा जाएगा, अगर कोई लॉस हो रहा है तो वो कैसे करेंगे। तो अभी जैसे डिजिटलाइज हो गया है एंड बहुत सारे ऐसे अपॉर्चुनिटीज मार्केट में क्रिएट ऑलरेडी हो चुके हैं, एंड बाई 2025 आई एम श्योर, अभी 5 साल ही क्यों यार, अभी 10 15 साल भी ये जो सेक्टर है ना इसका कोई भी डाउनफॉल नहीं है, एंड दैट्स फॉर श्योर। तो नेक्स्ट वीडियो में, सॉरी नेक्स्ट स्लाइड में ये बोलना चाहूँगा कि जो मैंने देखो सोच तो लिया था कि क्यों करूँगा डेटा एनालिटिक्स, राइट? मुझे चेंज करना था, फिर एक ऐसा जॉब चाहिए था जिसका ग्रोथ भी हो, जिसमें मुझे वर्क लाइफ बैलेंस भी मिले, जिसमें मुझे अच्छा खासा पैसा मिले, अच्छा खासा ग्रोथ मिले, एंड एक पीसफुल लाइफ हो, राइट? तो बट उसके लिए क्या हुआ कि मैंने एक क्या बोल सकते हैं, एक कोर्स में एनरोल किया, क्योंकि दो बीइंग ए नॉन टेक्निकल गाय आई हैड टू एनरोल माई सेल्फ फॉर ए कोर्स और सर्टिफिकेशन। तो मैंने किया था सर्टिफिकेशन फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट, बट यस द इंस्टीट्यूशन वॉज स्प्रिंग बोर्ड। ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है स्प्रिंग बोर्ड की तरफ से, आई जस्ट डिड माई सर्टिफिकेशन फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट। ये जो डेटा एनालिटिक्स मतलब ये प्रोफाइल में दोनों चीज़ मैटर करते हैं, एक है टेक्निकल स्किल्स, दूसरा है नॉन टेक्निकल स्किल्स। नॉन टेक्निकल स्किल्स को बाद में लाएंगे, एंड टेक्निकल स्किल्स में क्या है कि जो सबसे पहले हो गया अब हमारा डेटाबेस स्किल्स। डेटाबेस मतलब ये जो जहाँ पे डेटा स्टोर होता है, जैसे हमारा टंकी है ऊपर छत के ऊपर, सबके पास मोस्टली सिंटेक्स का होगा, तो वहाँ पे जैसे पानी स्टोर होता है वैसे ही डेटाबेस में हम लोग पूरे कंपनी का मतलब पूरे कंपनी का डेटा मतलब आप लोग सोच सकते हो कितना है, तो वो पूरा डेटा वहाँ पे स्टोर होगा मतलब होता रहता है। तो कोई भी अगर सिचुएशन आ गया, प्रॉब्लम क्रिएट हो गया, हमको लास्ट 6 साल का डेटा चाहिए हमको एनालाइज करने के लिए, हम वहाँ से हम लोग ले सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। तो वो हो गया डेटाबेस स्किल्स, जो कि है SQL मतलब SQL आप बोल सकते हो। तो और भी बहुत सारे ऐसे डेटाबेस टूल्स हैं, बट मोस्टली कंपनीज जो 99 कंपनीज जो फोकस करते हैं, 99% कंपनीज वो है SQL। एंड SQL में भाई बहुत सारे ऐसे मैंने क्या किया था, बहुत सारे यस कोर्स में ऑब्वियसली वो लोग पढ़ाएंगे ही, बट स्टिल उसके अलावा बहुत सारे ऐसे क्या वेबसाइट्स है, जैसे हो गया SQL Zoo, ये एक फ्री वेबसाइट है, वहाँ पे आप लोग जाकर आपको SQL इंस्टॉल भी नहीं करना पड़ेगा लैपटॉप में, वहाँ पे जाकर डायरेक्टली आप सीख सकते हो, कोड लिख सकते हो, मतलब क्वेरी लिख सकते हो, एंड आप लोगों को वहाँ पे आंसर्स भी मिलेगा, या फिर मतलब आप अगर रॉन्ग लिखते हो तो वहाँ पे आपको हेल्प भी मिल जाएगा। और सही में बोलूँ तो SQL Zoo हैज हेल्प मी अ लॉट, एंड यस ये भी कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है फ्रॉम SQL Zoo। तो सेकेंड थिंग ये है कि प्रोग्रामिंग स्किल्स, प्रोग्रामिंग स्किल्स बिकॉज
यार देखो, प्रोग्रामिंग स्किल्स जो पाइथन एंड आर है उसमें से कोई एक भी, इधर ऑफ देम कोई एक भी अगर आप सीख सकते हो, मैं मुझे ज़्यादा अच्छे से पता है, मतलब तो पाइथन, आर में मैंने ज़्यादा फोकस नहीं किया है, इवन आर वाज आल्सो नॉट इंक्लूडेड इन आर कोर्स मटेरियल और बोल सकते हो. तो मैंने सिर्फ पाइथन पे ही फोकस किया था, पाइथन मैंने सीखा. एंड यस, मैं अभी भी मोस्टली 2 दिन 3 दिन में एक बार तो पाइथन करता ही हूँ. नॉर्मल क्वेरीज लिखता हूँ, मतलब नॉर्मल प्रोग्राम ये सब लिखता हूँ मैं, क्योंकि आई एम ऑल्सो न्यू इन दिस डोमेन. तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार कुछ भी पता ना हो और चले गए सिर्फ बेसिक्स जानकर. तो ऐसे ही धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते सब हो जाएगा, आई होप सो. फिर तीसरा चीज़ ये है कि बिजनेस इंटेलिजेंस टूल्स, मतलब हमारा जो विजुअलाइजेशन टूल्स होता है. यस, विजुअलाइजेशन टूल्स आप लोग पीपीटी, नॉर्मल माइक्रोसॉफ्ट पीपीटी किए होंगे, फिर आप लोग स्लाइड्स, अभी मैं ये जैसे स्लाइड्स बनाए हूँ मैं, तो वैसे बना सकते हो. बट उसमें क्या होता है कि जो बिजनेस इंटेलिजेंस टूल में डायरेक्टली आप लोग एनालाइज कर सकते हो डेटा, वहाँ पे डालकर डिफरेंट डिफरेंट विजुअलाइजेशंस क्रिएट कर सकते हो, वहाँ पे शो कर सकते हो, डिफरेंट चार्ट्स यूज कर सकते हो. मतलब एक कलरफुल वे में आप लोग प्रेजेंट करोगे कंपनी को या फिर आपके सीनियर्स को, कि देखो मैंने ये एनालाइज करके ये फाइंड आउट किया है. तो ये होता है हमारा विजुअलाइजेशन. और जिसका जितना अच्छा विजुअलाइजेशन, मतलब जो कर पाएगा, तो उसको उतना ही बेनिफिट होगा, क्योंकि स्टोरी टेलिंग और जो विजुअलाइजेशन टूल्स का एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है इंटरव्यूज़ में. मुझे ऑलमोस्ट ये जो 17 इंटरव्यू था, एटलीस्ट 9 या 10 इंटरव्यूज़ में मुझे पूछे थे कि इसका बेसिक्स, मतलब पूछे थे कि ये कैसे करेंगे, वो कैसे करेंगे, ये चार्ट कैसे यूज़ होगा इसका, इसको एनालाइज कैसे करेंगे. तो इसमें क्या होगा कि पावर बी आई एंड टैबलू, मोस्ट ऑफ द कंपनीज फॉलो ईदर ऑफ देम, कोई एक फॉलो करते हैं. तो इससे इसीलिए अच्छा है कि आपको दोनों में बेसिक्स नॉलेज होगा, आप रेगुलरली प्रैक्टिस करोगे. तो इसका भी ये नॉर्मल है, आप लोग कोई भी कोर्स करोगे तो वहाँ पे वो लोग दे देंगे, इसका लिंक दे देंगे, नहीं तो मैं भी डाल दूंगा. आई विल सर्च इन गूगल एंड आई विल पेस्ट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. तो फिर लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बिकॉज नॉन टेक्निकल स्किल्स में क्या आता है कि हमारा कम्युनिकेशन स्किल्स. देखो मैं जितना भी अच्छा हूँ एक काम में, बट अगर मैं वो कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा हूँ, अगर मैं किसी को समझा नहीं पा रहा हूँ, तो उसका वैल्यू नहीं है, राइट? तो वैसे ही इंटरव्यूज़ में क्या होता है कि वो लोग आपको गाइड करते हैं, हाउ यू स्पीक, हाउ यू एक्सप्लेन अबाउट योर सेल्फ, हाउ यू एक्सप्लेन अबाउट योर प्रोजेक्ट्स. क्योंकि प्रोजेक्ट भी आप 100% क्लियर कर लो, जितना भी अच्छे से प्रोजेक्ट का एनालिसिस करो, बट प्रोजेक्ट को अगर आप इंटरव्यू में एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे, तो कोई भी इंटरव्यूअर यही सोचेगा कि दिस गाई हैज़ अ पुअर कम्युनिकेशन स्किल्स, राइट? तो फिर दूसरा है स्टोरी टेलिंग. जैसे हो गया कि विजुअलाइजेशन टूल्स बनाना, फिर प्रेजेंटेशन स्किल्स आ गया हमारा. प्रेजेंटेशन मतलब आप एक एनालिसिस करोगे, फिर उसके बाद आपको प्रेजेंट करना पड़ेगा अपने टीम मेंबर्स को, अपने सीनियर्स को. अगर आप वहाँ पे भी प्रेजेंट नहीं कर पाओगे तो वो भी एक प्रॉब्लम होगा. तो ये सब ना एक मतलब नॉर्मल सी चीज़ है, कोई भी कंपनीज में ये सब दे विल डेफिनेटली लुक फॉर दीज थिंग्स, दीज नॉन टेक्निकल स्किल्स. देखो मैं क्यों बोल रहा हूँ ये सब, क्योंकि मेरे पास कोई ऐसा नहीं थे कि गाइड कर सके, एंड दैट्स द रीजन व्हाई आई मेड मैनी मिस्टेक्स. आई लॉस्ट, यू नो, आई वेस्टेड मनी, आई मेड लॉट्स ऑफ मिस्टेक्स, बट नो रिग्रेट्स यार, जो भी है एक्सपीरियंस है लाइफ में. And that's the only reason why I'm just making this video about career transition, so that मेरे जो juniors होंगे या फिर जो भी try कर रहे होंगे यहाँ पे, जो भी video देखेंगे वो phase में होंगे, तो वो लोग relate कर पाएंगे इसको. तो that's all for today. I hope you guys have liked, I hope you guys like this video, and अगर अच्छा लगे तो please do like, share and subscribe to my channel. Thank you.